मैनपुरी से इस बार कड़ा संघर्ष होगा और हो सकता है कि पहली बार बीजेपी की सीट निकले और जो लोग आए हैं सभी प्रयासरत हैं तो देखते हैं, लेकिन संघर्ष काफी कड़ा होगा। जो जैसे बाई इलेक्शन में या पहले नेताजी लड़ते रहे चुनाव, वो जो एक लहर चलती थी, एक तरफा चुनाव रहता था कि कोई भी लड़े जीत तो उनकी ही होनी है, मतलब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जीतना है, इस बार ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि इस बार एक तरफा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, कड़ा संघर्ष होगा। बाकी इलेक्शन के लिए भी काफी समय है, देखते हैं तब तक क्या बदलाव होते हैं। आप भी किस्मत आजमाना चाह रहे होंगे, आए हैं पार्टी में और यहाँ मैनपुरी, चूंकि आप व्यापारी के साथ साथ किसान भी हैं, नेता भी हैं, लोगों के साथ जुड़ाव भी है, एक कई दशक तक समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सेवा किए, ब्लॉक प्रमुख भी रहे, अब यहाँ पर भी राजनीति में किस्मत आजमाना चाहेंगे? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन यदि कोई नेतागिरी करता है तो वो चाहता तो है, लेकिन आप जो पार्टी ने आदेश देगी वो करेंगे। 2024 के लिए समय बहुत कम है, पार्टी अगर आपको कैंडिडेट घोषित करती है तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव की रूपरेखा बना पाने में आपको सरलता लगेगी? देखिए दोनों पार्टियां पहले से तैयारी कर रही हैं, सपा भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, तो जो कैंडिडेट आएगा और लोकल होगा तो वो जल्दी अच्छे स्तर से कैचअप कर पाएगा एरिया को। यदि बाहरी होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी पार्टी पहले से तैयारी तो कर ही रही है, और जब लोकल होगा तो अच्छे से शॉर्ट टाइम में भी पूरे एरिया में अपना प्रचार कर पाए। अब चूंकि आज ये राजनीति का जो दौर है उसमें जातिवाद का भी वो चल रहा है, कुछ ऐसा चलन चल गया है कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर भी बहुत पड़ते हैं। आप यादव समाज से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो यादवों की लॉबिंग कितनी आपके साथ आ रही है, क्या लग रहा है आपको, बड़ी तादाद में यादव मतदाता या ऐसा? अभी हम जस्ट बीजेपी में ज्वाइन किए थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे थोड़ा बदलाव तो आना निश्चित है, और बाकी प्रयास किए जाएंगे, अभी बहुत समय है।